इल्म इस वक्त कदीमी इस्लामिक इल्म मौजूद है दुनिया में, ये लोगों को पता क्यों? हसनैन भाई सही कह रहा हूँ या गलत? भाई देखें, जो आप बात कह रहे हैं ना, इस चीज को, दरवेशी को, सूफीज्म को लोग ना किताबों में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप साइंस के किसी एक्सपेरिमेंट को पढ़ें, और एक वो है कि आप लैब में करें। सही बात है। लैब में टाइट्रेशन पढ़ना अलग है कि एसिड बेस मिलके गुलाबी रंग का कुछ बनता है, लेकिन लैब में कैसे बनता है एसिड बेस मिला के, वो एक अलग है पूरा। तो बड़ा फर्क है फर्क इस है, फर्क है। बात को कि आप प्रैक्टिकली के अंदर हों। और इसीलिए ये कहते हैं कि जो सूफी होता है और वो जो साइंटिस्ट होता है वो एक ही होते हैं। फर्क ये होता है कि साइंटिस्ट अपना प्रैक्टिकल करने के बाद बाहर हो जाता है लैब से, सूफी जो होता है वो कायाकल्प हो जाता है। अब कायाकल्प मतलब वो एक बात कहते हैं कि उसी का पार्ट बन जाता है, पार्ट बन जाता है। कायाकल्प होना ये बात बोल दे, यानी कायनात का वो पार्ट बन जाता है। जो लोग फिजिक्स के हैं वो क्वांटम थ्योरी को समझते हैं। क्वांटम थ्योरी है एक, जो जर्रा है वो लाइट की फॉर्मेशन के अंदर ट्रेवल कर रहा है। जो सबसे पहले मतलब इस्लामिक मिस्टिसिज्म के अंदर रुहानियत तालिबीन के अंदर बयान की गई है। अच्छा। मैं रेफरेंस इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हमारा प्रोग्राम देखते होंगे और फिर कुछ सर्च करते होंगे अपने तौर पे, होते हैं बहुत सारे ऑडियंस में ऐसे लोग होंगे इंडिया, जो पढ़ने लिखने वाले होंगे हमसे सुनते हैं कि भाई ऐसा कैसे बयान है। तो ये दरवेशी के जो रजा भाई बात कह रहे हैं ना कि जो छुप गया, जो अखफा में है, मतलब अखफा यानी छुपे हुए लोग हैं, पब्लिसिटी पसंद नहीं कर रहे, किसी कोने में बैठ के अल्लाह को याद कर रहे हैं या दुकानदारी कर रहे हैं अपनी, अल्लाह को याद कर रहे हैं, और वो है कि वो इनका फैज है या उनकी बरकत है, उनकी रूहानियत है। तो वो एग्जिस्ट कैसे करता है? वो एक पूरा डिसिप्लिन है। अच्छा। वो उसका एक तरीकेकार है पूरा, उस पर आप काम करते हैं।